इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 55 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। यदि आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं और गलतियों को कम करना चाहते हैं तो आज ही हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास सुबह शाम दोनों समय चलती हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई एडवांस आउटलाइन की बुकों को आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो को लिखने में आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन भी तैयार की है, उनको आप ले सकते हैं, उनसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो की बुक किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो मुझसे परचेज कर सकते हो, बुक आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। यदि आप घर बैठे ही शॉर्ट एंड कोर्स करना चाहते हैं तो PCSkill.in वेबसाइट से हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। यह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। पैराचेंज। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है, मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। पैराचेंज। भारत गांव में बसता है, 80% लोग गांव में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांव के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांव में रहने वालों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं, और वह हैं भी, इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करें,
और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। फुल स्टॉप। दोस्तों ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट एंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।